दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वजात बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। रियाज बशीर नाज, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और आज एक लंबी रैली की शक्ल में वो पुंछ पहुँचे, जहाँ पे पुंछ कॉलेज ग्राउंड में उनकी रैली पहुँची और उसके बाद उनके घर तक जो है पैदल मार्च किया गया, जहाँ पे उन्होंने लोगों का स्वागत किया, शुक्रिया किया। और बड़ी बात यह है कि रियाज नाज का कांग्रेस ज्वाइन करने से अलायंस का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं अब बारी दिखना शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस रैली के हवाले से ये रिपोर्ट। नौजवान हमेशा आने वाली जो है मुस्तकबिल होते हैं, और ऐसे नौजवान की सरपरस्ती हमारे सरों पे रहनी चाहिए। और वक्त ऐसा था कि लोगों का बड़ा वलवला था, बड़ा जोश था। आप लोगों का इस वक्त भी मौजूद है। आप चाहते थे कि हमारा महबूब रहनुमा इस असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट करे। आज आपने जाहिर की है और जाहिर सी बात है इस इलेक्शन की बहुत जबरदस्त गेमा गेमी है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और इसके बाद आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी में आने की जितनी खुशी मुझे है उससे ज्यादा हमारी इस पुंछ की आवाम को है। शुरू से ही हम कांग्रेसी थे, बाप दादा से लेके अभी तक। और जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप ने मुझे दोबारा से कांग्रेस में लाया, दोबारा से बुलाया और ज्वाइन करवाया, उसके लिए मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। और इस बात की मुझे खुशी है कि उन्होंने इस चीज़ का एतमाद और इस चीज़ का भरोसा मेरे पे रखा कि पुंछ में जाके इंडिया अलायंस के लिए काम किया जाए और इंडिया अलायंस को कामयाब किया जाए। आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडिया अलायंस यहाँ पर है। मेरी कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ 16,000 बल्कि 40,000 के करीब करीब वोट जो है वो हम इंडिया अलायंस की सीट को यहाँ से दें और यहाँ से कामयाब करके भेजें। हमारी मेहनत रहेगी, हमारे साथ हमारे भाइयों, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रहेगी और उस मेहनत पे हम उस कदम पे चलेंगे और इंशाल्लाह इस सीट को यहाँ से कामयाब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी अलायंस है, जहाँ पे भी कांग्रेस की है वहाँ पे अलायंस है। अलायंस पे हर जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी मदद करेंगे, और जहाँ पे कांग्रेस के हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी जो है वो सपोर्ट करेगी। रियाज नाज साहब जो एक बड़ा चेहरा थे यहाँ पे, लेकिन रियाज नाज से जो उम्मीदें थी लोगों को, इन्होंने इससे पहले जो दमखम दिखाया था DDC में, अब ये देखना। रियाज साहब, एक चीज़ बड़ी थी जो इस वक्त सामने आ रही थी कि जो ये बताया जा रहा था कि जो मंडी ब्रिज है उससे ऊपर जो है रियाज नाज इलेक्शन लड़ेंगे, शाह अहमद तांत्रे इलेक्शन लड़ेंगे, अपने गनई साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये एक बड़ी एक इस वक्त एक तजबजब था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस है वहाँ से हार जाएगा। आपने ऐसे टाइम में बाजी मारी है, क्या समझें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जीत हुई है? देखिए, हर बार इलेक्शन लड़ना ना और जीतना कोई मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन जीते आवाम के वोटों पर और आवाम के हक के लिए और उनकी खुशहाली और उनके मुस्तकबिल के लिए। मैं भी लड़ जाता, बाकी लोग भी लड़ जाते, तो बहुत पिछले एक महीने से इन सब चीज़ों पे चर्चा रही।
हमेशा हम अपने मुफाद के लिए काम करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा कि हम आवाम के लिए इस चीज़ की कुर्बानी दें कि हम इलेक्शन ना लड़ें और हम उन ताकतों को कॉरिडोर से दूर रखें जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदला है। रियाज साहब, जैसी सियासत इससे पहले रही है उस सियासत से आज की यूथ जो है वो चेंज चाहती है, वो ये चाहती है कि डेवलपमेंट हो, सिस्टम हो, सियासत जो कास्ट क्रीड की सियासत है वो खत्म हो जाए, गुज्जर पहाड़ी की सियासत खत्म हो जाए। तो इस वक्त जो यूथ है, जाहिर सी बात है आप पे भी बड़ी नजरें होंगी कि अब किस तरीके से, एक तरफ से आप कोलिशन का हिस्सा हैं, दूसरे ये यूथ चाहेगी कि इस एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो सीट है इसमें भी काफी मतलब एक बेहतर चेंजेस आने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इन चीजों का आपके अंदर कैसा एक नक्शा है जिसे आप देखें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, जहां तक यूथ को उनकी एस्पिरेशंस का सवाल है, तो जिस तरह मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ उसी तरह इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब हमारी अलायंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी और हम अलायंस की हुकूमत बनने के बाद इंशाल्लाह पूंछ की आवाम को और बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उनकी खिदमत कर सकते हैं। रियाज साहब, अगर आप कोई ऐसा मैसेज कोई आप ब्रीफली यूथ को देना चाहें, क्योंकि आपसे यूथ बड़ा जुड़ा हुआ है, उन्हें कोई बात आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं? मैं यूथ को यही कहूँगा कि वो एकजुट रहें, आने वाले वक्त में यहाँ पे मजहबी नारे लगेंगे, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नारे लगेंगे, गुजर कश्मीरी के नारे लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर वोटर, हर नौजवान को कि वो पूंछ के मुस्तकबिल को और अपने मुस्तकबिल को नज़र में रख के वोट करे और उन ताकतों को, उन पार्टियों को पावर से दूर रखे जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को पिछले 10 साल में रौंदा है। ये थे रियाज बशीर नाज साहब, जिन्होंने हमारे साथ बात की है और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बड़ी बात है कि रियाज नाज का कांग्रेस में ज्वाइन करने से एक तरफ से अलायंस का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी लोग ये सोच रहे थे, कयास रैयाँ कर रहे थे कि इलेक्शन में इन चीज़ों का बड़ा नेगेटिव असर होगा कि अगर सारे कैंडिडेट मंडी साइड से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से रियाज नाज ने कांग्रेस ज्वाइन की है इससे ये लगता है कि अब काफ़ी चीज़ों में जो है आपको सियासत में चेंज दिखेगा।